हेलो गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ सके। तो एग्ज़ाम से बताता हूँ मैं, चलो ठीक है। चलिए परीक्षा पर आधारित प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। बेसिक कॉन्सेप्ट बाय रूपेश मैथ्स क्लास। एग्जांपल, तो एग्जांपल से वैसे बताते हैं, यदि किसी विषय में 65% छात्र उत्तीर्ण हैं, यदि किसी विषय में 65% छात्र क्या बोल रहे हैं, उत्तीर्ण है बोल रहे हैं। यदि किसी विषय में 65% छात्र उत्तीर्ण हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हो जाएंगे? 100 में 65 को घटा दो, इसका आंसर मिल जाएगा 35% अनुत्तीर्ण है। उसी प्रकार किसी विषय में 40% छात्र अनुत्तीर्ण पूछा गया है तो कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे, कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे? 60%। कैसे? 100% में 40% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60% बचेगा। जैसे अंग्रेजी में 50% दिया है, 50% दिया है तो कितने परसेंट हो जाएगा? 100 में 50 को घटा देंगे तो 85% होगा। जैसे अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। जैसे एक विषय में छात्र अनुत्तीर्ण है तो हमेशा क्या करेंगे? अनुत्तीर्ण बोला है मतलब 100 से घटाना है। अगर कोई छात्र उत्तीर्ण है बोलेगा तो क्या करना है? 100 से घटाना है। अगर दोनों छात्र उत्तीर्ण हैं तो क्या करना है? जोड़ना है। या दोनों छात्र अनुत्तीर्ण हैं तब भी जोड़ना है। बस इसी ट्रिक को बस पढ़ना है। चलिए सवाल हल करते हैं। सवाल हल करने से पहले, चैनल का नाम है आरके शॉर्ट ट्रिक, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए सवाल हल करते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% हिंदी में, क्या बोल रहा है? 60% विद्यार्थी गणित में, 70% हिंदी में और 50% दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, क्या बोल रहा है? एक बार 60% विद्यार्थी गणित में, दूसरा है 70% हिंदी में, फिर बोल रहा है 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। क्या बोल रहा है? दोनों में। और विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो हल करते हैं। 60% विद्यार्थी गणित में, तो सबसे पहले फार्मूला यहाँ लगेगा 100 माइनस, मतलब यहाँ फेल पास या पास या फेल, प्लस दोनों उत्तीर्ण हैं या अनुत्तीर्ण हैं। तब सॉल्व करते हैं, हमेशा 100 को सामने माइनस ही रखेंगे। यहाँ से 60% विद्यार्थी गणित में, 60% 100 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40%।
फिर 70% हिंदी में, 70 में फिर 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। उसके बाद क्या है प्लस 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है, अगर हमेशा दोनों पूछा जाए तो यहाँ पर प्लस रखेंगे और इसका जस का तस रहेगा 50। तो सॉल्व करते हैं 50 और 150 इन माइनस माइनस का प्लस 40 70 कितना बचेगा 80%। अगर दो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, ध्यान दें अगर दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण है बोलेगा तो प्लस करना है, जैसे 50% दिया है तो उसका 50 ही रहेगा। अगर दोनों में अनुत्तीर्ण पूछा गया है और 40% दिया गया है तो हमेशा वो 40 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल से आप लोगों को अच्छा और समझ में आ जाएगा। ये SSC में पूछा गया सवाल है, एक परीक्षा में रसायन में 40% अंग्रेजी में और 25% दो 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में रसायन में 40% अंग्रेजी में 25 और दोनों विषय में क्या बोल रहे हैं 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पहले बोला गया था ना, अगर दो बार दोनों अनुत्तीर्ण बोला जाए तो प्लस रहेगा लास्ट में, और दोनों अनुत्तीर्ण रहेगा तो भी प्लस रहेगा। तो देखते हैं, हमेशा शुरू में 100 ही करेंगे, फिर माइनस 40% बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 25% बोल रहा है तो इनका 75 हो जाएगा। अगर दोनों बार अनुत्तीर्ण हुए बोले हैं तो ये वाला जस का तस रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, मतलब 40% 100 में घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, इसको जस के तस लिखना है। तो यहाँ जस के तस लिखें, और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं तो क्या बोले, अगर जब भी दोनों बोलेंगे तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो सॉल्व करते हैं, 100 × 120 माइनस 60 75 और कितना हो जाएगा 65 इक्वल 55%। अगर अनुत्तीर्ण बोला जाएगा दो बार तो यहाँ सेकंड वाले को जस के तस लिखना है, और ये तो जस के तस रहता अच्छी है, अभी बताया ना दोनों बार अनुत्तीर्ण हो या दोनों बार उत्तीर्ण प्लस ही लिखेंगे उसको। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये SSC RRB में दोनों में पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये SSC RRB में पूछा जा चुका है, किसी परीक्षा में हिंदी में 60% विज्ञान में 65% उत्तीर्ण है, जबकि दोनों विषय में क्या बोल रहा है अनुत्तीर्ण बोला गया है। ध्यान दे, दोनों में अनुत्तीर्ण यानी कि प्लस ही रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 600 लड़के बैठे हैं, ये सेकंड स्टेप है ना, तो फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, वही 100 माइनस करेंगे। किसी परीक्षा हिंदी में 60% विज्ञान में बोल रहा है, मतलब हो जाएगा 40। 65% उत्तीर्ण बोला गया है, क्या बोला गया उत्तीर्ण, जबकि 65% उत्तीर्ण है तो क्या निकलेगा अनुत्तीर्ण निकलेगा, तो ये माइनस 35। जबकि दोनों विषय में जहाँ फिर आगे ना दोनों मतलब प्लस, अनुत्तीर्ण 30% है, मतलब जस का तस लिखेंगे इसको, इस बार में जरूर समझ आ जाएगा। 100 और प्लस 130 माइनस 40 और 30 मतलब 40 और 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 × 5 = 75। यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 55%। ये सिर्फ क्या बोल रहा है उत्तीर्ण के लिए। अब 600 लड़के बैठे हैं, अब इसी 55% में 600 लड़के और बैठे हैं तो कितने लड़के और बैठेंगे बोल रहा है, समझ आया। 55% आंसर है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है 600 लड़के और बैठे हैं, तो यहाँ से सेकंड स्टेप हो जाएगा,
ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट हो गया। ये स्टेप सेकंड करते हैं, 600 लड़के और बैठे हैं, यहाँ 600 लड़के बैठे हैं और कितना परसेंट आया है, कुल 55%। तो क्या करेंगे, 55%, 55% मतलब यहाँ से 100 हो जाएगा। इसको ऐसे काट देते हैं, 0 का 0, 55 6 का कितना हो जाएगा, 330 लड़के। तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ, 600 लड़के में 330 लड़के विद्यार्थी लड़के बैठे हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।